हे गाइस, कैसे हैं बेटा आप लोग? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑलरेडी सब के सब प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। एंड क्योंकि रीजन बीइंग जून, वी हैव अ लिमिटेड टाइम, बहुत कम टाइम है। एंड सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है मॉड्यूल वन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है बेटा। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, उस पेपर में एक्चुअली इस तरीके से स्टैंडर्ड बच्चों का होता है, एक जो डर होता है, एक जो खौफ होता है, विच इज अगेन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। और लेकिन सीएस के लिए उस पेपर की जो एक रेलेवेंसी, एक जो इंपॉर्टेंस है, अगेन हम वो क्या कर सकते हैं उसके लिए, अगेन हमारे पास कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री लाइन कुछ भी नहीं है। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस एंड अगेन द स्टैंडर्ड, द लेवल ऑफ द पेपर। एंड वो पेपर कोई और नहीं बेटा, इट्स कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ एक ऐसा पेपर है जो हर एक एक बच्चा जब सीएस ज्वाइन करता है, जब वो सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है, तो उसके लिए एक ही पेपर सबसे पहले उसके माइंड में एक पिक्चर बना होता है, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। देयर इज ओनली वन पिक्चर। एंड हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले ये होता है कि जब हम कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो ये पेपर हम लोगों का इस तरीके से स्ट्रांग होगा, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ भी कहीं से भी पूछ ले तो हम कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जाम में क्या होता है, एक डर होता है। फिर भी एक एग्जाम में ऐसा होता है सिनारियो, जो मार्क्स होते हैं वो अगेन जितना हम लोग चाहते हैं, जितने एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे कम रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा यदि फेलियर देखा भी जाता है किसी पेपर में, विच इज नन अदर देन कंपनी लॉ। तो अब मैं यहां पे इस पेपर में पास की नहीं, मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर श्योरिटी देने की बात कर रहा हूं। और वो पर्टिकुलर श्योरिटी, आपका श्योरिटी क्या होने वाला है, दैट इज 70 प्लस 70 प्लस। लेकिन वो श्योरिटी मेरे पार्ट पे नहीं, वो आप सबको जो यहां पे बताने वाला हूं। यदि आपने उस चीज के लिए, आपने उस चीज के लिए अपना टाइम दे दिया, अपने आप से कमिटमेंट कर दी, और आपने उस बात से, उस पर्टिकुलर जो भी मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं आज, यदि आप एग्री हो गए, आई एम श्योर अबाउट इट, यू कैन बी वन ऑफ देम। आप उसमें से एक हो सकते हैं बेटा, उसमें से एक हो सकते हैं। एंड यू विल डेफिनेटली रियलाइज ईच एंड एवरी पर्टिकुलर वर्ड जो मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं। तो वो श्योरिटी आपको अपने आप में देना है। मैं सिर्फ यहां पे आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, एक गाइडेंस दे रहा हूं। एंड हेडिंग क्या लिखा है, यू कैन सी, कर लो खुद को तैयार, इस बार कंपनी लॉ में 70 के पार। तो इसका मतलब है कर लो खुद को तैयार। तो अपने आप को क्या करना है, खुद को कमिट कर देना है, खुद को इस तरीके से बना लेना है, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि सर 70 के पार तो होगा ही होगा। आई होप ये डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, कि इस बार मोदी सरकार, याद है ना? तो वही सिनेरियो क्या होने वाला है इस बार एग्जाम में, यही होगा, इस बार 70 के पार। बट 70 के पार ऐसे नहीं होता है बेटा, वो 70 प्लस ऐसे नहीं होता है। वो जो एक मिशन है 70 प्लस, वो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए हम लोगों को हार्ड वर्क करना होगा, सिस्टमैटिकली हमें पढ़ना है, हम लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो सर वो क्या होने वाले, क्या एफर्ट्स होगा, तो वन बाय वन वो सारे एफर्ट्स यहां पे आपके सामने रखने वालों। एंड ये मैं रखने वालों, मैं बताने वालों, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना है, एग्जीक्यूट आपको करना है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक एक बच्चा जब भी मेरे पास किसी का कॉल आता है, या फिर जब मैं क्लास ले रहा हूं, उसमें ये बोलते हैं कि सर आप कोई स्ट्रेटेजी बता दो, आप कोई स्ट्रेटेजी बताओ, कोई प्लानिंग बताओ, सो दैट व्हाट वी कैन डू, हम इस पेपर में इस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर सके, हमें इस तरीके से स्टैंड होना है। तो बच्चों के पास नॉलेज भी होता है, कैन यू पास अ नॉलेज भी होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। तो नॉलेज भी होता है, स्टिल कहीं ना कहीं क्या होता है, वो लिमिटेशन, वो बाउंड्री लाइन, वो कहीं ना कहीं रहता है, जहां पे वो अगेन 40 45 50 अगेन वो क्या होते हैं, टेंशन में आते हैं, वो घबराने लगते हैं कि सर इतने भी मार्क्स हमारे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो जो चीज मैं बताने वाला हूं बेटा, यदि आप उसके लिए कमिट हो जाते हो, अपने आप में कमिटमेंट कर लेते हो, कसम खा लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हो, तो डेफिनेटली इस बार 70 के पार छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे उसको। 70 के पार तो जाना ही जाना है, पकड़ के रखेंगे। लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूं, then you have to implement it, you have to execute it, तभी ये 70 के पार होगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार 70 के पार तो करके ही छोड़ना है, हम लोगों को इस तरीके से खुद को तैयार करना है, so that will definitely
बियॉन्ड 17 कंपनी लॉ. आर यू रेडी फॉर इट? यस और नो? यस. कमिटमेंट? यस. प्रॉमिस? यस. यू विल डेफिनेटली डू इट? यस. तो आई कैन, आई विल, एंड वी हैव टू डू इट, एंड यू विल डेफिनेटली डू इट. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कहीं से भी, कोई भी, आप क्लासेस ले रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, कहीं से भी, किसी भी तरीके से, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट सबसे पहला मैसेज यह है बेटा कि आप उस नोट्स को, उस पर्टिकुलर नोट्स को, उस पर्टिकुलर बुक्स को आप प्रेफर करें, उस बुक को आप प्रेफर करो जिसमें आईसीएसआई के एंटायर जो रेलेवेंट सिलेबस का पार्ट है वो कवर है, जिसमें वो एंटायर रेलेवेंट एस्पेक्ट कहीं ना कहीं उस नोट्स में, उस बुक में, सही वे में, सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट करके रखा गया. और यदि यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि सर हम कहां से सर्च करें, क्या करें, क्या बुक पढ़ें, एक ऑप्शन है बस, एंड विच इज नन अदर देन यू कैन से व्हाट, आईसीएसआई स्टडी मटीरियल. क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका वहीं से पेपर बनाएगा बेटा, क्योंकि जो बच्चा क्लास नहीं ले सकता तो अल्टीमेटली वो क्या करने वाले, वो आईसीएसआई पढ़ेगा, मॉड्यूल उसी को पढ़ने वाला है. जिसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि सर हम कहां से, क्या पेपर, क्या बुक रेफर करें, क्या नोट्स रेफर करें, तो 100% वो एक ही चीज रेफर करेगा, वो है आपका आईसीएसआई का मटेरियल. तो अल्टीमेटली आईसीएसआई के जो स्टडी मटेरियल है, यदि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम उसको प्रेफर करेंगे. लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट. बट प्लीज याद रखना बेटा, यू जस्ट मेक सिलेक्शन ऑफ ओनली वन नोट्स, वन बुक, एक ही नोट्स और एक ही बुक को आपको क्या करना है बेटा, यू जस्ट ट्राई टू कंसिडर, यू जस्ट ट्राई टू फॉलो इट. नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ मटीरियल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो आपने बुक का क्या करना है, ढेर लगा देना है और उसमें कुछ नहीं होना है, खुद ही ढेर हो जाना है. तो ना तो बुक का ढेर लगाएंगे, ना तो खुद ही ढेर होने वाले. तो 70 के पास ऐसे नहीं जाएगा. तो सिलेक्शन ऑफ द बुक, सिलेक्शन ऑफ द नोट्स, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला काम यही करना है कि हम लोगों को एक ऐसे पर्टिकुलर बुक को उठाएंगे जिसमें सारी चीजें जो हमें 70 अब लेके जाना है तो उसमें कहीं ना कहीं हम कवर करने वाले हैं. एंड वो आपको आईसीएसआई के लेटेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया हो तो वही प्रेफर करना है बेटा. तो सबसे पहली बात ये दिमाग में बिठा लेना. अब आते हैं बात किसके रिगार्डिंग, अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे. ये बार बार, इवन इससे पहले जो मैं वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने बताया था 90 डेज की आपको प्रिपरेशन, 90 डेज किस तरीके से आपको एक चैलेंज लेना है, तो उसमें भी ये मैंने दोनों बातें बोली थी. और फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, अपने खुद के नोट्स बेटा बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ. ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने उनके लिए इंटरेक्टिव एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था जहां पे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड, जो बच्चे अभी जस्ट उन्होंने एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल क्लियर किए तो उनसे इंटरेक्शन हुआ, उन बच्चों का जो एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों का जो मेरे पढ़ाए हुए थे उन सबका एक ही स्टेटमेंट था, एक ही स्टेटमेंट था बेटा कि सर हमने अपने खुद के नोट्स बनाए क्योंकि अपना नोट्स बहुत काम आता है. तो सर बात ये आती है कि नोट्स में हम क्या करेंगे, नोट्स में क्या करेंगे. पहले तो आप जो चीजें पढ़ रहे हो बेटा उन सब में जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, तो वो सब के सब की पॉइंट्स आपको क्या करना है, वन बाय वन, एक एक करके आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, हाईलाइट, एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको क्या करना है, रिटेन रखना है, मेंशन करना है. उसके बाद सर क्या करने वाले, पॉसिबिलिटी है फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट्स, क्योंकि उससे क्या होता है हमें चीजें रिटेन करना बहुत इजी हो जाता है. तीसरा सर, इसके बाद भी कोई ऑप्शन है, 100% बेटा, नंबर ऑफ सेक्शंस, और इन सभी सेक्शंस का साथ में लिस्ट बनाना है बेटा. तो चैप्टर वाइज आपको की पॉइंट्स लिखने, चैप्टर वाइज आपको फ्लो चार्ट बनाने, चैप्टर वाइज आपको सेक्शंस याद कर रखने. चैप्टर वाइज इसका मतलब है लिस्ट ऑफ सेक्शन रिटेन करने का तरीका है, चैप्टर वाइज हर एक एक सेक्शन को आप पढ़ो एंड उसके लिस्ट फ्रेम कर लो. एंड नंबर ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे भी लिस्ट. लेकिन लिस्ट का मतलब ये नहीं कि सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री ऐसे लिखना है, नहीं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या सेक्शन है. मान लो कोई हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल, उसमें हम सेक्शन 53 पढ़ रहे हैं, तो 53 सेक्शन किससे डील करता है, सर प्रीमियम की बात करता है, तो हम उसको नोट करेंगे. सर सेक्शन नंबर 52 किसके रिगार्डिंग हो गया, प्रीमियम. सर 52 प्रीमियम हो गया, तो 53 किससे डील करता है, तो अगेन वो 53 वाले पार्ट को हमें लिखना है सर, डिस्काउंट वाला टर्म, एंड 54 भी उसके साथ ही एसोसिएटेड करके पढ़ना है. तो उसका मतलब ये, मान लो डायरेक्टर पढ़ रहे हैं सेक्शन 149 पढ़ रहे हैं, तो मेंशन करो सेक्शन 149 एंड साथ में लिखो 149 में
टॉपिक क्या है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसेक्शन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद होता है तो एटलीस्ट बेटा मैं उम्मीद करूंगा सेक्शन तो याद करोगे ही। वैसे तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई नो वेरी वेल कि हमारे सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, अगेन एक्सप्लेनेशन, पैरा, सब पैरा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितना आप करो उतना ही कम है, बट करो करो किसी भी हालत में जितना कर सकते करो। उसके बाद नंबर ऑफ रूल्स बेटा, क्योंकि न्यू कंपनीज एक्ट रूल्स के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कंपनीज एक्ट में मोर देन 350 और 400 वर्ड आएगा बार बार, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड कहां पे होगा बेटा? वो प्रिस्क्राइब्ड रूल में, वो प्रिस्क्राइब्ड कहां पे? रूल में। तो उसको आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सर, और भी कुछ करना है? बिल्कुल, केस स्टडी पढ़ो, केस स्टडी के नेम लिखो, केस स्टडी में जो रीजन है उसको मेंशन करो। तो इसका मतलब है नेम शुड बी देयर, देन रीजन शुड बी देयर, एंड प्रॉपरली इंपॉर्टेंट केस जितने भी है उसके क्या करना है, अगेन यू हैव टू डू वन थिंग, उसका अगेन एक लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाना है। और अगेन आपको वो डेफिनेटली किस टॉपिक से रिलेटेड केस आपने स्टडी पढ़ा वो टॉपिक भी साथ में डालना है, क्योंकि रीजन मीन क्या होता है, केस स्टडी का नाम और वो टॉपिक और रीजन तीनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो एंड सो केस स्टडी फॉर सो एंड सो पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड सो एंड सो रीजन आया, तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, नेम, देन किस पर्पज के लिए केस स्टडी है एंड उस केस स्टडी में रीजन कोड का क्या था। तो सबसे पहले जब आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है, बट नोट्स बनाना पहले इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपका स्टेट ऑफ माइंड इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू फ्रेम अ नोट्स, पहला पॉइंट वो है बेटा। तो आपने क्या करना है, नोट्स बनाना है। तो नोट्स में इन सभी बातों को आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, लिखोगे, क्योंकि आगे आगे नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब वो नोट्स बना होगा तो ये देखो 70 के पार क्यों नहीं होता है, तो हम लैग करते हैं, एक एक स्टेप को कहने के स्किप करते हैं या फिर आधा अधूरा करके जाते हैं, एंड फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं सर वो 70 के पार हो जाए। नहीं, होता ही नहीं है बेटा, 70 के पार तो छोड़ो, 40 के पार नहीं हो पाता यदि हमने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, एंड स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो देखो 70 के पार क्यों नहीं होगा, तो 80 भी आप क्रॉस कर जाओगे बेटा। तो मैं तो सिर्फ 70 की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 70 पार तो इतना तो आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। कसम खा लो, आज कसम खा लो को तो फॉलो करके ही रहेंगे किसी भी हालत में। तो चलिए आगे सर, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ रहे हैं तो किन किन चीजों पे वर्कआउट करना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको क्या करना है, कवर करना है। तो पहले तो हमने क्या किया सर, हमने तैयारी क्या करना है उसके रिगार्डिंग, अब पढ़ना शुरू भी कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट को थोरली इनडेप्थ नॉलेज, एक भी कट शॉर्ट नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं मानना है। तो जो आप पहली बार आप पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी लॉ को, पहली बार आप पढ़ रहे हो पूरा कंपनीज एक्ट का चैप्टर वाइज, फर्स्ट टाइम यदि आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्लास में पढ़ने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप खुद वो पहली बार सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्या करना होगा, आपको इनडेप्थ क्लास में जो पढ़ाया गया डिफरेंट पार्ट, तो अब आपकी ड्यूटी है आपको इनडेप्थ खुद पढ़ना है बेटा, खुद इनडेप्थ पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने यहां पे बोला एक एक सेक्शन आपको रिटेन करना पड़ेगा, एक एक सेक्शन आप रिटेन करेंगे तभी तो वो जो नोट्स जो बनाना है उसमें तभी तो लिस्ट आएगा। तो एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन को रिटेन करोगे और एक एक सेक्शन को नोट करना है बेटा। तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रहे, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। तो एक एक सेक्शन एक एक रेलेवेंट रूल अगेन रिटेन करना है, साथ में नोट, केस स्टडी बिल्कुल मिस नहीं करना है, केस स्टडी बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करना है। तो जो यही सब है बेटा, इसी के बेसिस पे तो हमें क्या करना है, वो अपने खुद के नोट्स बनाने, हैंडमेड नोट्स रिटन अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, एंड वो आपको बना के छोड़ना पड़ेगा। एंड जब बनाओगे तो उससे पहले इन सभी बातों को क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज टर्म्स, आपको इन सभी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आई होप पहला काम क्या करना है, आवाज लगाना है, बोलना है एक बार घर में चिल्ला के, सबको समझ में आ जाए हमारा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, सबको समझ में आ जाए बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा 70 के पार जाएगा बिल्कुल जाएगा। तो सबसे पहले वो आवाज घर पे क्या लगाओगे, सर हमें क्या करना है 70 प्लस स्कोर करना है। तो उसके बाद उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, सर एक बुक प्रेफर करेंगे, कुछ नहीं मिला तो ICSI मटेरियल प्रेफर करेंगे। दूसरा सर हमें तैयारी क्या करनी है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होना चाहिए, वो फिर लग जाएंगे पढ़ने में, और पढ़ने में जैसे लगा तो उसके बाद क्या करना है, वन बाय वन एक एक चीज पे वर्कआउट करना है। सर इनडेप्थ कॉन्सेप्ट, सेक्शन रिटेन करना है, ईच एंड एवरी सेक्शन, रूल्स एक एक पढ़ना है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, एंड एक भी केस स्टडी नहीं मिस करेंगे, केस स्टडी पूरा पढ़ के जाना है, केस स्टडी पूरा अच्छे से रिटेन करना है। और कैसे रिटेन करना है वो मैंने बताया, क्या क्या चीज आपको केस स्टडी के लिए चाहिए बेटा। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंटेशन स्किल्स ओवरऑल। अभी क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा, यू जस्ट वेट फॉर इट, अभी वो क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा। एंड एक बात और मैं बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, मे बी वन और टू डेज ओवर देयर,
जिसमें कंपनी लो पेपर पूरा पूरा कंपनी लो का पेपर कैसे लिखना है वो पूरा आपके सामने, पूरा क्वेश्चन पेपर विद आंसर आपके सामने होगा एंड यू कैन सी द प्रेजेंटेशन कि सर इसी तरीके से हमें एग्जाम में प्रेजेंट करना है, इसी तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। और वो सॉल्व जो पेपर यहां पे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, किसी भी बच्चे को यदि वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, नीचे बॉक्स में नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो यू डेफिनेटली गेट द पीडीएफ। तो उस क्वेश्चन पेपर का विद आंसर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, दिस इज माय प्रॉमिस। तो आपको पीडीएफ डिमांड करना है तो अगेन आप क्या करना, उस पे मैसेज करना, अपना नाम, अगेन कब एग्जाम देना है वो ये बताना जरूरी है, ये बताना बिल्कुल जरूरी है, और क्या आप डिमांड कर रहे हैं ये भी लिखना, सिंपल ये भी ध्यान रखना है। कोर्स अगेन यू जस्ट मेंशन इट, आई नो वेरी वेल सीएस एग्जीक्यूटिव, बट स्टिल मेंशन करना बेटा। तो अब इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से सारे कवर अप हो सकते हैं या फिर इसमें से कोई दो हो सकता है, कोई तीन हो सकते हैं, मतलब एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, आईसीएसआई के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न रखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन के पैटर्न में या तो आपको शॉर्ट नोट दिखेगा कुछ क्वेश्चन, कुछ आपके कमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिख सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड तो क्वेश्चन होगा ही होगा क्योंकि कंपनियों का पेपर इनडायरेक्ट आता है पूरा, ये मान के चलते हैं। फिर उसके बाद केस स्टडीज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो ये होने वाला है। तो ओवरऑल चार, एक होता है डिफरेंस डिस्टिंक्शन, वो बहुत ही कम होता है, कंपनी लॉ जैसे पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं, आ गया तो अच्छी बात है बोनस आपके लिए, आ गया तो अच्छी बात है बोनस आपके लिए, तो इसका मतलब लेकिन ये चार है बेटा जिसमें से तीन जो है हमारे बड़ा रेलेवेंट है एंड तीन को तो उम्मीद हमेशा करते हैं, कमेंट बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड एंड केस स्टडी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स खुद में डेवलप करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड उसी प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मैं आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व मैंने खुद किया हुआ है पूरा वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो पूरा आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करूंगा। और वैसे किसी को भी एक सजेस्टेड आंसर यदि चाहिए होता है तो आईसीएसआई के मॉड्यूल, आपका आईसीएसआई की वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यहां पे जो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, जो मैं क्वेश्चन पेपर लास्ट अटेम्प्ट का जो सॉल्व करने वाला हूं, लास्ट अटेम्प्ट का जो सॉल्व करूंगा, तो आप अल्टीमेटली यदि चाहिए तो नीचे आप अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज, अगेन जो नंबर होगा उसके बेसिस पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, देखो 100% आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअली 70 के पार जाना कैसे, वो 70 के पार होगा कैसे, तो वो काम करना बेटा। चलिए आगे, ये तो हो गया डेवलपमेंट, नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, लेटेस्ट अमेंडमेंट वो बहुत जल्द जो स्टार्ट होने वाला है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट स्किप ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो होगा बेटा, वी हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू एक एक अमेंडमेंट, एक एक टर्म, एक एक सेगमेंट हमें पढ़ना है। तो अगेन अमेंडमेंट भी आप लोगों के तैयार है, वो भी मैं लेके आ रहा हूं, तो वो भी हम करेंगे। तो सारी चीज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो प्लीज, बट आपसे एक ही प्रॉमिस है, आपके एक ही कमिटमेंट, इतनी मेहनत यदि मैं यहां पे कर रहा हूं तो आपसे एक ही मेहनत है, एक ही मेहनत चाहिए बेटा कि आप प्लीज इसको फॉलो करो, इट्स अगेन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप इसको फॉलो करो। यदि फॉलो कर दिया तो डेफिनेटली मेरे जो एफर्ट्स हैं सक्सेस हो जाएंगे और आप अल्टीमेटली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप 70 लेकर आओ तो 70 के पार होगा, तो इस बार 70 के पार विल डेफिनेटली बी देयर, बट यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओवर देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसका मतलब अमेंडमेंट भूलना नहीं है, अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं स्किप करेंगे बेटा। चलिए आगे, सर अब क्या करना है नेक्स्ट? जब आप पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लेते हो और जब बात आती है रिविजन करने की, आपने खुद के नोट सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, पहली बात आप यह सोच के चलना है, पहली बार इस तरीके से पढ़ना है कि हर चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर में कोई वेटेज नहीं देंगे, मतलब पहली बार फ्रॉम द बिगिनिंग जो भी चीजें जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, यदि क्लास ले रहे हैं या फिर खुद पढ़ रहे हैं तो जिस वे में पढ़ रहे हो उसके हिसाब से हर चैप्टर को मान के चलना इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग मैंने बोला नहीं पहले चैप्टर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, नहीं, अभी आपको हर चैप्टर पढ़ना है, अभी आपको हर चैप्टर पढ़ना है, जहां से क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जहां से आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब वहां से हर चैप्टर आप के मान के चलो, सब के सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, सब के सब इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? तो हाँ, लेकिन अब मैं बताऊंगा रिविजन करना है, अब आ गया पॉइंट, अब वो टाइम आ गया जब हम चैप्टर को प्रायोरिटी देने वाले हैं कि सर पहले हमें किस चैप्टर को उठाना है रिविजन के लिए, तो स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद ऑल दीज चैप्टर्स। सो दैट्स वाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना है, एनालिसिस करने है, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो एनालिसिस करना, और ये कहां से मिलेगा, पास्ट एग्जामिनेशन जो है उसके बेसिस पे। नाउ यू कैन सी द एनालिसिस ओवर देयर, यू कैन सी हर एक एक, हम लोग यदि बात करें तो बेटा यहां से, क्योंकि रीजन बिंग जो नए सिलेबस वाले हैं उसके लिए यहां से उठाना है। और आप देखो दिसंबर 2018 में, जैन 2019 जैन में,
उसके आपका जून में, देन दिसंबर में, देन अगेन 2020 दिसंबर में, सब चैप्टर नंबर वन से कितने नंबर ऑफ के क्वेश्चन क्या है, तो इसका मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे, एक परसेंटेज निकालेंगे, तो एवरेज निकल के आएगा। फिर ऐसी प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है बेटा, तो अब अगेन वहां पे फिर से वापस से सर यहां पे कितने अटेम्प्ट है, इतने अटेम्प्ट है, तो फिर अगेन हम एक एवरेज निकालेंगे ऑन एवरेज कितना परसेंटेज आ रहा है। ऐसे ही फिर शेयर कैपिटल उठाएंगे बेटा, वापिस से वही काम करना है कि सर इन सबको एड करेंगे, उसका परसेंटेज निकालना है, सर कितना परसेंटेज आएगा, तो जिसका भी परसेंटेज, अब देखो यहां पे परसेंटेज ज्यादा आएगा, यहां पे देखो यहां पे भी परसेंटेज ज्यादा आएगा, यहां पे भी देखो रूटीन बेसिस पे आ रहा है, तो उसका मतलब अगेन यहां पे भी कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, अगेन इसमें भी देख सकते हो आप, यू कैन सी यहां पे परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज परसेंटेज देखना है, और ये आपको इजिली अवेलेबल है मार्केट में बेटा, ये आपको इजिली मिल जाएगा, कोई भी किसी भी नेचर का ऐसा बुक खरीदते हो जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पास्ट एग्जामिनेशन के, तो आपको इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट मिल जाएगा बेटा। तो अब ऐसे ही क्या करना है, चैप्टर को क्या करना है, वेटेज देना है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया सर, इतने अटेम्प्ट से रेगुलर बेसिस पे इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया, वी जस्ट फोकस ऑन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये वीडियो लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखना, देखना पूरे वीडियो को बेटा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, यदि पूरा वीडियो देख लिया तो आपका बेड़ा पार है, मतलब 70 के पार, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो कट शॉर्ट करके, अरे सर ये तो सभी बताते हैं, तो सब तो करते ही बेटा, मैं भी उसी में से, मैं भी वही काम कर रहा हूं, हर टीचर मेहनत यही तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपने किसी की बात नहीं सुनी ना, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को सुनाने के लिए, क्या पता आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, तो एक बार जला लो, 70 के पार हो जाओ बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर, तो हर एक चैप्टर के लिए इसी तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करना है, एनालिसिस देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, कम से कम कितनी बार रिवीजन करना है बेटा, 5 times बिफोर एग्जाम 5 times, 5 times रिवीजन मस्ट बी देयर बिफोर एग्जाम, 5 times रिवीजन मस्ट बी देयर, 5 times रिवीजन मस्ट बी देयर, कम से कम प्लीज। तीन बार कर लें, मैंने बोला ही नहीं सर, 4 बार प्लीज आप तो करो, नहीं कम से कम मिनिमम बोल रहा हूं, आप करो सर 8 बार कर लें, गो फॉर इट, खुशी होगी जान के, आप करें सर 10 बार, अरे डबल खुशी होने वाली है, लेकिन 5 बार तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, याद रखना। आप किसी भी जो रैंक होल्डर है उनसे पूछना, यदि आपके जान पहचान में आपके नोन में है आप उनसे पूछना, जिसने दोनों ग्रुप निकाले उनसे पूछना, जिसने अभी ग्रुप क्लियर होगा उनसे पूछना, जिसने मॉड्यूल निकाला उनसे पूछना, पूछना कितने बार बेटा आपने रिवीजन किया, पूछना भाई भैया ये बहन कितनी बार दीदी कितनी बार रिवीजन किया, पूछो फ्रेंड से जो आपके सीनियर है उनसे पूछो, वो खुद बताएंगे कितनी बार रिवीजन किया। तो रिवीजन करना है बेटा, उसके बाद हर चैप्टर, जब आप चैप्टर वाइज सारी चीजें हो गई, रिवीजन कर लिया, अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ हर चैप्टर में से 10 to 15, मतलब जो वेटेज आपने दिया चैप्टर वाइज और रिवीजन करते टाइम, रिवीजन भी हो गया सर, रिवीजन भी हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, 10 to 15 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस करने, हर 10 to 15 चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रैक्टिकल पेपर, आपको पता है क्यों इंटरेस्ट आता है प्रैक्टिकल पेपर, आपको पता है क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं, और वो प्रैक्टिस से एक बाबत वो फॉर्मूला याद होता है ना, तो इसका मतलब एक बाबत हाउ यू कैन से सर इस पेपर में अगेन यहां पर नहीं हो सकता है, यहां पे भी सारे सेक्शन सारे कॉन्सेप्ट याद हो सकते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को डायरेक्टली वो गेम में नहीं उतरता है, कोई भी रेसलर डायरेक्टली नहीं जाता है, कोई भी क्रिकेटर डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं जाता है, आज तो हमें नो डाउट 6 और 4 और मारना है, डबल सेंचुरी मार के आना, नहीं उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए पहले सबसे पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको पता है प्रैक्टिस मैच खेलते हैं उसके साथ, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, एंड फिर जाके कहीं ना कहीं फाइनली वो क्या करते हैं, जंग में उतरते हैं, मतलब फिर उसके बाद जो फाइनल मैच है उसमें जाते हैं बेटा। तो आप कह रहे हो सीधा हमने क्या किया, सीधा हमने सर अभी पूरे बुक को पढ़ा बिना प्रैक्टिस किए बिना कुछ किए, हम सीधा चाहते हैं कहां पे जाना, एग्जाम में उतरना, देन हाउ इज इट पॉसिबल। तो पहले आपको क्या करना है, नेट प्रैक्टिस करना है, एंड नेट प्रैक्टिस का मतलब है एक एक बॉल पे प्रैक्टिस करना, और एक एक बॉल का मतलब हर एक एक चैप्टर पे प्रैक्टिस करना बेटा, एक एक बॉल मतलब हर एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अभी आएंगे ना आगे, देखो अब प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, तो अभी क्या खेला हमने सर, नेट प्रैक्टिस हो गया, बिल्कुल हो गया, कितने बॉल 10 to 15 हर चैप्टर में, इतने बॉल, तो अब वो प्रैक्टिस हो गया ना, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस आ जाओ, अब अभी क्या करेंगे, प्रॉपर मैच प्रैक्टिस, मतलब हम अपोनेंट के साथ क्या करते हैं, मैच खेलते हैं, तो इसका मतलब ICSI के साथ मैच खेलना है। तो मैच कैसे खेलेंगे सर, अभी एग्जाम से पहले जितने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 5 पेपर उठाओ, टाइम लाइन बाउंड करना है,
टाइमलाइन बाउंड करना है, मतलब घड़ी देख के रखना है, बिल्कुल फोन रखना है, जो भी आपके पास है ऑप्शन, लेकिन फोन में मैसेज पॉपअप हो उसको नहीं देखना है, टाइम देखना है, टाइम देखो, टाइम देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप ये पेपर दे रहे होंगे बेटा, जब ये पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, रेलेवेंट एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हर बच्चा एग्जाम में मिस करता है, हर बच्चा एग्जाम में संभव कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करता है बेटा। पेपर को जैसे हर एक एक क्वेश्चन पेपर, पहले आप 5 से 10 मिनट एक बार पेपर उठाओ, एक बार अपने आंखों को, अपने आईज को क्या कर लो, मूव कर लो, घुमा लो, सर्कुलेट कर लो पूरे पेपर पे, पहला काम ये करना है। एंड देन उसके बाद आप उठाओ, सर हाँ मुझे क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 1 करना है, या क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है सर 5 में पहले उठाऊंगा, 5 उठाओ, फिर उसके बाद सीक्वेंस में ए बी सी देन डी, सर ये 4 पार्ट है, ए आता है, बी आता है, डी आता है, सी नहीं आता है अभी, तो सी के लिए पेज छोड़ो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये कहता है हर पेज से आपको नया सेपरेट आंसर स्टार्ट करना है, हर पेज नए पेज से न्यू क्वेश्चन विल बी देयर, तो उसका मतलब इसके लिए 1-2 पेज छोड़ दो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली पेज छोड़ दो बेटा, उससे उतना आप छोड़ दो। तो सर अब क्या करना है, क्वेश्चन जब 5A आपने उठाया है, उसको पहले क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का टाइम आप दे दो पढ़ने के लिए। देखो एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, कितने आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स का, एंड 3 आवर्स का पेपर है, इसका मतलब कितने मिनट्स मिल रहे हैं आपको, कितने मिनट, यू जस्ट इमेजिन 180 मिनट्स है आपके पास, और मैं उम्मीद करता हूं 150 मिनट्स में आपका पेपर हो जाएगा यदि आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। और लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं उसको आपको वापस से क्या करना है, एक बार पेपर को देखना है, वापस से एक बार पूरा पेपर देखना है, एंड जो क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया, मान लो आपने पूरा पेपर कर दिया दिमाग में नहीं रहा, वापस से पेपर देखोगे तो एटलीस्ट ये तो आपको पता रहेगा, ये तो पता रहेगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सर पेपर हाथ में आया क्वेश्चन नंबर 1 देखा, बिल्कुल बिल्कुल हमारी आंखें उस पर ही निगाह है, बस उस क्वेश्चन को उठाया करना शुरू कर दिया, नहीं वो काम नहीं करना है। अच्छा कई बार बच्चे क्या करने वाले हैं, आधे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाई एक बात हो तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्यों बार बार ऊपर नीचे कर रहे हो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, अपने आप ही समझ में आएगा उसमें आंसर क्या लिखना है, नहीं तो बार बार ऐसे करोगे फिर ऐसे सोचने बैठ जाओगे, अच्छा अच्छा ऐसे करते रहोगे, एक्सप्रेशन देखो ना कितने कमाल के होते हैं, तो इसका मतलब आप उसमें लग जाएंगे। लेकिन यदि वही क्वेश्चन आपने 1 मिनट देके पढ़ लिया होता बेटा, तो 100% मैं गारंटी बता रहा हूं, फिर आपको बार बार इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बन गया है, क्रिएट हो चुका है। तो ये काम करना है, तो इसका मतलब क्वेश्चंस को पढ़ने का, यू जस्ट डेवलप द स्किल्स टू रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर सॉल्विंग इट। तो जब आप पेपर को सॉल्व करो उससे पहले डेवलप करो, और ये डेवलप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, ये मैंने जो 5 पेपर बोला है करने के लिए, ये यहीं से डेवलप करना है बेटा, ये यहीं से डेवलप करना है, यहीं से वो डेवलप करना है। और देखो 5 पेपर करते देखो कितने अपने आप में स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, दिस इज माई प्रॉमिस, आप करके देखो, लेकिन करके देखोगे तब आप अपने आप में स्किल्स देखना कितने हाई होने वाले। और कल आप खुद मेरे नंबर पे, यहां पे जो डिस्क्रिप्शन उसमें आप मैसेज करके बोलोगे सर हाँ देखो डिफरेंस हमने देखा, जब क्वालिफाई होंगे 70 के पार होगे, खुद मैसेज करोगे सर वो स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की और 70 के पार भी हो गए। यू हैव टू डू द सेम थिंग, आपको करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, डेवलपमेंट स्किल्स, तो ये आपको करना पड़ेगा बेटा। तो इसका मतलब सबसे पहले बुक सिलेक्शन, नेक्स्ट प्रिपरेशन, नोट्स की तैयारी कैसे करनी है वो डिसाइड कर लिया, देन उसके बाद हमें क्या करना है सर, हमें डेवलप क्या क्या चीजें कवर करना है उस पर वर्कआउट करना है, सर कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन रूल्स केस स्टडीज ये याद रखना है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स गो थ्रू करना है, अमेंडमेंट कोई भी नहीं छोड़ना है बेटा, एंड 5 times रिवीजन मस्ट बी देयर, और हर चैप्टर में मतलब आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और नेट प्रैक्टिस हो गया तो फिर मैथ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपको क्या करना है एग्जाम में बैठने से पहले ये काम करना है बेटा। तो अब नेक्स्ट जो मैं यहां पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, पास्ट जो अभी एग्जाम हुआ है, अब उस पर्टिकुलर एग्जाम के पेपर में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, एंड वो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, अल्टीमेटली यहां पे आप देखोगे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी बेटा यहां पे आपको दिखेगा, यू कैन सी न्यू सिलेबस के लिए यू कैन सी यहां पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, 3 आवर्स का पेपर है, क्वेश्चन 6 है, मतलब 6 लेकिन 6 मत मान के चलना, इसका मतलब है आपको ये टोटल पेज कितने हैं वो आपको देखो, अभी पेज देखते ना बच्चा पहले ही डर जाता है, कहते सर ये क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना बुकलेट दे दिया हमें, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना हाथ में बुकलेट दे दिया, तो पहले वो देख के ऐसे टेंशन में आ जाता है, पहले वो घबरा जाता है, अभी क्या होगा हमारा, ऐसे करना शुरू कर देते हैं।
और कुछ बच्चे तो पेज पलट पलट के दस बार में कहीं ना कहीं क्या होता है वो शॉक, हार्ट, उनका हार्ट बीट इतना तेज हो जाता है कि अभी नो डाउट हार्ट अटैक आएगा, अभी अभी सिनेरियो होता है एग्जाम में। कुछ बच्चे तो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा पेपर, 45 मिनट वेट करते हैं, 45 मिनट हो गया चलो भाई बाय बाय, ये होता है। एंड कुछ तो ये करते हैं कि भाई क्या करेंगे अभी, शीट शीट पेपर पेज थोड़ी ना भरना है, मैं बताऊंगा प्रेजेंटेशन फिर आपको बताना शीट शीट हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड खुद आपको पता चल जाएगा कितने पेजेस में आंसर आते हैं। तो लेट्स बिगिन विद, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैंने बताया था ना इस तरीके से शॉर्ट नोट्स वाले, कमेंट वाले, सिचुएशन वाले केस स्टडी, हियर वी हैव व्हिच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, कमेंट बेस्ड। पहला क्वेश्चन, कोई चॉइस नहीं, टोटल क्वेश्चन 8 होंगे, लेकिन 8 में इंटरनल आपको पता है चॉइस भी दिया जाता है, एक्सटर्नल नहीं है, मतलब सब में से कोई ऐसा नहीं है, इंटरनली किसी क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ए बी सी डी। तो इसका मतलब कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 मार्क्स ईच। तो पार्ट ए कितने मार्क्स का हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे, और पार्ट ए आप सबको पता है 50 मार्क्स में, 50 मार्क्स में है, तो इसका मतलब यहां पे 50 मार्क्स में 5 20 मार्क्स आ गया, 20 मार्क्स कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब यहां पे आप देख सकते हो बेटा, हियर वी हैव एन ऑप्शन, आइदर क्वेश्चन 2 और 2 है, तो 2 में देखो अगेन पार्ट ए, यू कैन सी पार्ट बी, देन अगेन वी हैव सी, देन वी हैव डी, देन वी हैव यू कैन सी द ई, 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने हो गए 15। अब या तो 2 कर लो या फिर आप 2A कर लो, क्राइटेरिया विल रिमेन सेम, उतने ही क्वेश्चंस होंगे बेटा जितने हमने पीछे देखे हैं, तो इसका मतलब है यहां पे भी 3 मार्क्स ईच होने वाला है। तो ये मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है, 15। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड, कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे, कोई चॉइस नहीं है, तो थर्ड का मतलब थर्ड करना ही है। क्वेश्चन की लेंथ देखो, देख के बच्चा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अगेन उसको शॉक देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के कहा इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ, आईसीएसए ने हमें बेवकूफ बनाया, पागल बनाया, हम चाहते हैं डिग्री ऐसे मिल जाए, सर आईसीएसए वाले डिग्री दे दे बस, हम चाहते हैं अपने नाम के आगे सीएस लगाना, ऐसे मिल जाएगा डिग्री, किसको मिला ऐसी डिग्री बताना जरा, जो क्वालिफाई हो जरा उनसे पूछना, ऐसे मिल गए डिग्री, तो इसका मतलब मेहनत करोगे तो डिग्री आएगी, ऐसे नहीं आएगी डिग्री, सिंपल। आगे तो 3A कितने मार्क्स का है, 5, एक क्वेश्चन आ गया, बी कितने मार्क्स का है, 5, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, सी कितने मार्क्स, तो मतलब 3 अगेन कितना हो गया बेटा 15, तो इसका मतलब है 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, लेकिन यहां पे इन दोनों में क्या था, चॉइस, तो इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए, 50 हो गए सर, पूरे हो गए। अब आते हैं पार्ट बी पे बेटा, पार्ट बी कितने मार्क्स में, 40 मार्क्स में, कंपनी होगी पेपर की मैं बात करूं, नॉट टॉक अबाउट अदर पेपर, अदर जब होगा तो उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। सर क्वेश्चन 4 कोई चॉइस है ना, बिल्कुल भी नहीं, हर क्वेश्चन में चॉइस ही मिलेगा क्या, हर क्वेश्चन में चॉइस ही देते रहेंगे, लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइस, आंसर इज नो, तो जहां चॉइस दिया गया जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ वहीं पे अवेल करना बेटा, कितने मार्क्स में, क्वेश्चन ए बी सी सर 5-5 नंबर, 5 मार्क्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 5 कितना हो गया बेटा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 मार्क्स हो गया। अब आते हैं 5, हाँ चॉइस मिल गया, आओ चॉइस लो, ध्यान से पढ़ो, चॉइस लो, देखो अब यहां पे, तो अब यहां पे आपके लिए चॉइस, यू कैन सी चॉइस, मेरा नाम भी यहां पे दिख रहा है, तो चॉइस लो यहां पे, यू विल गेट द चॉइस, यू विल डेफिनेटली गेट द चॉइस हियर, एंड चॉइस यहां पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स हो गया, अगेन फोर, वन मोर, तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए बेटा, तो बताओ 20 प्लस 20, हाँ लेकिन यहाँ पे 20 मार्क्स में आपको चॉइस भी तो दिया गया, हाँ सर ये कैसे हो सकता है, मैं भूल जाऊं उसको, चॉइस तो नहीं, बिल्कुल हम देखेंगे, तो देखो बेटा ये आपके लिए दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया, तो कितने मार्क्स के हो गए सर, 20 प्लस 20 प्लस 20, लेकिन यहाँ पे 20 20 क्या हमारे लिए, इसमें 20 20 यहाँ पे क्या है, इसमें चॉइस है, तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 मैंडेटरी था, इसमें चॉइस रखा गया, सो 40 मार्क्स ओवर दिया। 6 पार्ट 10 मार्क्स का है बेटा, इट्स 10 मार्क्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर ए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, दैट्स इट, 5 मार्क्स ईच। तो ये तो था क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर, अभी नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊंगा उसमें यही वाला पेपर मैं आपको पूरा डिस्कस करके दिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं, विद आंसर जो आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक होते हैं, एंड इसलिए हम कहीं ना कहीं कह के आते हैं, सर कोई बोलते हैं सर पूरा पेपर क्या है, इस बार तो डेफिनेटली 100 मार्क्स में से 70 कहीं ना कहीं, बट वो 70 के पार नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ प्रेजेंटेशन ओवर देयर, जिस तरीके से स्टडी करनी थी उस तरीके से आप नहीं करते।
तो स्टडी जो यहां पे मैंने स्ट्रक्चर बताया, यहां पे जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका फॉलो, ये फॉलो करो, ये फॉलो आप करोगे तो 70 के पार डेफिनेटली है बेटा, श्योरिटी है। बट यू हैव टू, देखो एक भी पॉइंट मिस कर दिया ना तो मुझे कहना मत 70 नहीं हुआ सर, आपने बोला था मैंने वही स्टडीज। मेरा सिंपल एक ही क्वेश्चन होगा, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है, कि आपने आपसे बोला है कि सर जो चीज मैंने बोली थी क्या आपने उसको फॉलो किया नहीं किया। यदि आपने फॉलो किया होगा तो 70 के पार तो 100% होगा, गारंटी है, श्योरिटी है। लेकिन आपने यदि फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब फिर तो डेफिनेटली एक भी पॉइंट मिस किया तो 70 भूल जाना। फिर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े हार्श वर्ड में बोल रहा हूं, फिर आप 70 भूल जाना तो चॉइस आपकी है। यदि 1000 बच्चे देख रहे हैं, 2000 बच्चे देख रहे हैं, 3000 बच्चे दे रहे हैं, 100 बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चा यदि फॉलो कर लेता है, मतलब मेरे लिए ये मेहनत जो एफर्ट्स मैंने लगाए ये मेरे लिए सक्सेस है बेटा। बट मेरी उम्मीद है कि ये बात आप सब अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, क्योंकि रीजन बिंग हर बच्चा सीएस बनना चाहता है। ऑल ऑफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम एज अ सीएस, तो सीएस ऐसे नहीं बनते हैं, एफर्ट्स लगा के बनते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट में आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन वाला जो पार्ट होगा, जो मेरी कमिटमेंट है डेवलपमेंट स्किल्स कैसे तैयार होगा, तो आई डेफिनेटली डिस्कस ओवर देयर, दिस इज माय कमिटमेंट, आई विल सॉल्व द एंटायर पेपर। तो पूरा सॉल्व पेपर यहां पे दिखाऊंगा और एक एक वर्ड टू वर्ड बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें लिखना है, कैसे मोती पिरोना है वहां पे, तो अपने आप ही समझ में आएगा बेटा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं उम्मीद करता हूं अपने आप से ये प्रॉमिस जरूर करूंगा बेटा। सो थैंक यू।